हेलो एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं शेयर करने वाली हूँ चावल की खीर। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बिना स्किप किए फिर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चावल का खीर बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है: दूध, चावल, इलायची पाउडर, काजू, बादाम और मिल्क। चावल हमें बिल्कुल छोटा वाला लेना है, इससे खीर जो है बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चावल को सबसे पहले हम भून लेते हैं। अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब तक चावल हमारा फूल रहा है तब तक हम दूध को उबाल लेते हैं। दूध को उबालने के लिए हमने चढ़ा दिया है। दूध हमारा उबल गया है, इसे हम 1 से 2 मिनट और पका लेते हैं अच्छे से। अभी दूध को हमने एक साइड कर दिया है और एक तरफ हमने पैन को चढ़ा लिया है। अभी पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच घी। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें काजू और बादाम को डाल के और फ्राई कर लेंगे। काजू और बादाम हमारा रोस्ट हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। काजू और बादाम को हमने निकाल लिया है और वापस से इसी पैन में हम चावल को भून लेंगे। चावल भून के खीर बनाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। बस 1 से 2 मिनट हो गया है और हम गैस को ऑफ कर देते हैं और चावल हमारा भून चुका है। दूध बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा उबल चुका है। अब हमने जो चावल फ्राई किया है उसे डाल देते हैं दूध में। बस इसे हम कर लेंगे मिक्स और इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। गैस के फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम पे रखा है। इसके चारों साइड जो मलाई लगती जाती है इसे हमें चम्मच की सहायता से निकाल के और खीर में ही वापस डालते जाना है। अभी हम चावल को चेक करेंगे, एक दाना लेके हाथ में दबा के देखेंगे। देखिए चावल पक तो गया है लेकिन अभी हम खीर को ऐसे गिरा के देखेंगे तो दूध एक बार में और चावल एक बार में गिर रहा है। इसे थोड़ा सा और हमें पकाना है, इसे हमें थोड़ा और गाढ़ा करना है ताकि जब हम इसे गिराएं तो दूध और चावल दोनों एक बार में गिरे। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क को डाल देते हैं। अभी हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मैंने इसमें कंडेंस मिल्क का यूज किया है इसीलिए मैंने यहाँ पे चीनी का यूज नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी मीठा होता है। अभी हमने जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखा था उसे डाल देते हैं। और इलायची पाउडर और इसे एक बार कर लेंगे मिक्स। देखिए हमारी जो खीर है वो बहुत अच्छे तरीके से पक गई है और अब हम इसे गिरा रहे हैं तो एक ही बार में दूध और चावल दोनों गिर रहा है। अभी हमने इसमें इलायची पाउडर डाला है तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए और हम पका लेते हैं। बस 2 मिनट हो गया है और हम गैस को ऑफ कर देते हैं। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और खीर हमारा थोड़ा ठंडा होगा तो ये और भी अभी गाढ़ा होगा। आप इसे बना के 1 से 2 घंटा के लिए फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। खीर को जब हम ठंडा सर्व करते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए अब हम खीर को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। 1 घंटे के बाद मैंने खीर को सर्व कर लिया है और आप मेरे इस तरीके से एक बार खीर को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कैसा बना है। और अगर आपको हमारा खीर बनाने का रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।